स्मार्टफोन सब यूज़ करते हैं एंड स्मार्टफोन यूज़ करने के बहुत सारे अच्छे प्रोज एंड कॉन्स भी आपको देखने को पड़ सकते हैं। एंड सबसे बड़ा कौन है अभी तक की इंडस्ट्री में, वो है उसका बैटरी। स्मार्टफोन आपको चाहे एक दिन या दो दिन या कभी कभी तीन दिन भी लास्ट कर जाए, बट उससे ज़्यादा आपको लास्ट नहीं करेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है बैटरी बैंक। अगर आप आईफोन यूज़ करते हो, अगर आप पुराने आईफोन यूज़र हो, मतलब आपके पास 5S है, 6 है या 6S है, तो आपको बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ सकता है बैटरी बैकअप के मामले में। तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन के लिए एक बैटरी बैंक खरीदना पड़ता है। एंड आज मैं एक ऐसा बैटरी बैंक लाया हूँ बिकॉज़ ये बैटरी बैंक आपको बहुत ही चीप प्राइस में मिलेगा एंड बहुत ही अच्छा अमाउंट जो आपको जो है वो पावर प्रोड्यूस करेगा। मतलब जो है MAH है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर है एंड जो आउटपुट है वो भी अच्छा है एंड ऑल ओवर बहुत सारी बातें यहाँ पर अच्छी है, कुछ बातें बुरी है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में अगर आपको एक पावर बैंक चाहिए जो कि बहुत ही सस्ता हो एंड 1000 रुपीज के अंडर हो। तो बात करने वाले इस एमरिन पावर बैंक के बारे में। ये पावर बैंक आपको 12,500 mAh का जो है बैटरी बैकअप देता है एंड यहाँ पर आपको एक अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ ये 700 के अमाउंट में मिल जाता है। तो आप ये नीचे सर्च कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया होगा। एंड अगर आपको ऐसा है कि मतलब आपको खुद से सर्च करना है तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, फिर भी आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल करेंटली इसका प्राइस थोड़ा राइज हुआ है, करीब करीब 800 से 900 के बीच में मिल रहा है, बट आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। एंड जब भी जिस भी दिन इसका प्राइस ड्रॉप होता है, मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में इसका जो है बता दूंगा, बिकॉज उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैं फट से अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में डाल दूंगा, तो आप फट से मुझे फॉलो कर लीजिए, नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं इसमें कि इसमें आपको क्या क्या अच्छाई मिलती है, क्या क्या आपको जो है कॉन्स देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज़ तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस पावर बैंक में आपको जो डिज़ाइन मिलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये लो बजट पावर बैंक में आपको जो डिज़ाइन मिलता है वो तो कुछ खास नहीं मिलता है। MI का जो पावर बैंक है जो थोड़े स्टील बॉडी में आते हैं तो अच्छे दिखते हैं, बट उतना तो अच्छा नहीं दिखता। बट ऑल ओवर इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इन द प्राइस ब्रैकेट ऑफ 700 to 600। तो ओपन कर लेते हैं इस पावर बैंक को। एंड इस पावर बैंक को मैंने पहले ओपन कर चुका हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। मैं फिर से इसको मतलब कैसे भी करके मैंने इसको जो है अंदर डब्बे के अंदर डाला है एंड फिर से ओपन कर रहा हूँ, बिकॉज ओपन करके देखना ज़रूरी है। जब उसको जो है डिलीवरी हुआ था इसका, कल इसका डिलीवरी हुआ था एंड मुझे इसको ओपन कर देखना ज़रूरी था, तो मैंने इसको ओपन किया, चेक किया, सब सही था, तो फिर मैंने पैकिंग कर दी एंड ऑल ओवर इसको मैं फिर से अभी अनबॉक्सिंग करूँगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं आपको, पहले मिल जाता है एक वायर जो कि स्टार्टिंग में आपको दिखता है इसके अंदर। तो इसमें आपको पहले मिल जाता है एक वायर, उसके बाद अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो आपको जो पावर बैंक है नॉर्मली वो मिलता है, उसके बाद आपको मिल जाता है कुछ मैनुअल गाइड एंड ऑल ओवर जो भी है आपको रेटस के ऊपर कुछ मिल जाता है। तो ये सब तो काम की चीज़ें नहीं है वैसे, अभी पता नहीं क्यों सब लोग इसको दिखाते हैं, बट ये सब आपको मिल जाता है एंड ये भी आपको मिल जाता है ये डब्बे में, और कुछ नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, बट आई डाउट कि ये पूरा मेड इन इंडिया होगा या नहीं होगा। असेंबल इन इंडिया हो सकता है, बट मेड इन इंडिया मुझे नहीं लगता कि अभी तक ये शायद से होगा, मुझे इसके ऊपर आइडिया ज़्यादा नहीं है, बट शायद से हो सकता है, शायद से नहीं भी हो सकता है, बट वो चीज़ों की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो बड़े आते हैं फट से पावर बैंक के। तो पावर बैंक मैंने यूज़ किया है एंड इसका पूरा रिव्यू देना तो अभी सही नहीं होगा, बिकॉज मैंने अभी इसको पूरा सही से तो यूज़ नहीं किया है, मैंने एक दिन यूज़ किया है एंड एक दिन में पता नहीं चलता कि इसका कितना क्या जो है बैटरी बैकअप एंड कितना क्या ऑल ओवर जो चीज़ है मेन, इसको कम से कम मुझे 3 से 4 दिन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको मैंने एक दिन यूज़ किया है एंड मैंने इतना चीज़ तो देखा कि इसको चार्ज करने में 6 to 7 hours लग रहे थे, मतलब इस बैटरी बैंक को चार्ज होने में, बिकॉज मैंने इसको पूरा डिप्लीट कर दिया था एंड यहाँ पर आपको इसको चार्ज करने में 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। मैंने ओवरनाइट रखा था तो मैंने 1 बजे रखा है एंड सुबह 7 बजे उठा तो फुल चार्ज हो गया था, तो आई थिंक सो कि 6 से 7 घंटे लगते होंगे, बिकॉज ये नॉर्मल टाइम है। एंड डिपेंड करता है आपका चार्जर कौन सा आप यूज़ करते हो, आपका चार्जर का जो है जो आउटपुट कितने वोल्ट्स का, कितने वोल्ट का है एंड कितने जो है वॉट्स का ऑल ओवर वो आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक वायर और बैटरी बैंक और कुछ नहीं मिलता एंड बस इतना ही था, और क्या आप एक्सपेक्ट करोगे एक बैटरी बैंक से। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी इस वायर की। तो इस वायर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो सही है, नॉर्मल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, मुझे तो कुछ खास नहीं लगी, बट ऑल ओवर जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है, ज़्यादा लंबी वायर नहीं है। वैसे अभी बैटरी बैंक के साथ आपको ज़्यादा लंबी वायर नहीं मिलती है, बट कंसिडरेबली ये थोड़ा ठीक वायर मुझे लगा है, तो ठीक है, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो नॉर्मली डे टू डे आपके लाइफ में। बट अगर आपका आपके पास अगर एक टाइप सी जो है आपका फ़ोन है, मतलब आप टाइप सी पोर्ट यूज़ करते हो आपके फ़ोन में, या फिर आपका
जो फ़ोन है वो आईफोन है, तो आपको ये काम नहीं आने वाला, बिकॉज यहाँ पर आपको अडेप्टर लगाना पड़ेगा, एंड अडेप्टर लगाने के बाद जो है चार्जिंग उतना फास्ट नहीं हो जाता है। तो आप इसको यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास माइक्रो जो है यूएसबी पोर्ट होना चाहिए, एंड अगर नहीं है तो आपको आपका जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड जो फ़ोन के साथ जो चार्जर का जो कॉर्ड आया होगा वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी इस बैटरी बैंक की, तो यहाँ पर जो बैटरी बैंक का जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही सॉलिड है। ये बिल्ड क्वालिटी मेरे को पहले मैंने एक मंगाया था, ऑर्डर किया था लेनोवो का आई थिंक, हाँ लेनोवो का ही एक बैटरी बैंक मैंने ऑर्डर किया था, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, उसके जैसी बिल्ड क्वालिटी है, सेम वैसा ही दिख रहा है एक्चुअली। बट यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग है, यहाँ पर लेदर जैसा टाइप डिज़ाइन देने की कोशिश की है, बड़े प्लास्टिक ही है ऑल ओवर। एंड यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है, एंड दो पोर्ट्स मिल जाते हैं, दो आउटपुट मिल जाते हैं बेसिकली, एंड यहाँ पर आपको एक जो है इनपुट मिल जाता है आपको माइक्रो यूएसबी का, तो आप यहाँ से जो है इसको चार्ज कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं आपको इसके अंदर आपको बेसिकली क्या मिल रहा था। यहाँ पर आपको जो है 12,500 mAh का, मतलब मिली एम्पियर का आपको जो है गैस में यहाँ पर आपको कैपेसिटी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी है। एंड यहाँ पर आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है कि हाँ ठीक है, मतलब 12,500 mAh की जो है बैटरी है एंड मेरा जो फ़ोन है वो 3000 मतलब mAh का बैटरी मतलब रखता है, तो ऑल ओवर इसको मैं कितने बार चार्ज कर सकता हूँ, मतलब 10 बार या इतनी बार चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कैलकुलेशंस होते हैं, यहाँ पर जो पोर्ट्स होते हैं वो भी चार्ज कंज्यूम करते हैं, जो वायर होता है वो भी वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत चार्ज निकल जाता है, एंड ऑल ओवर चार्जिंग के प्रोसेस में बहुत अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो डिस्चार्ज मतलब निकल जाता है, एंड आपके फ़ोन में जो चार्ज पहुँचता है वो मतलब कट कर पहुँचता है। तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट ना करिए कि हाँ 12,500 mAh की जो बैटरी है वो कितनी बार चार्ज कर लेगी, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड कैलकुलेशन में नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत छोटा कैलकुलेशन है, अब उसको बोलने आऊँगा तो वीडियो में थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको फट से देख के कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका फ़ोन का कितना mAh की बैटरी है, एंड ये जो 12,500 mAh का जो बैटरी बैंक है आपके फ़ोन कितनी बार चार्ज कर सकता है। सेकेंडली आपको यहाँ पर मिल जाता है दो पोर्ट, जो पहला पोर्ट है वो भी आपको मिल जाता है 5 वोल्ट का, एंड सेकेंड पोर्ट है वो भी आपको मिल जाता है 5 वोल्ट का, दोनों ही जो है 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर के पोर्ट्स है, तो ऑल ओवर आपको यहाँ पर जो स्पीड मिल रही है वो भी ठीक ठाक है, इतनी कुछ मतलब एकदम धासू स्पीड भी नहीं है, बट इतनी कुछ खराब स्पीड भी आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। एंड ये पावर बैंक चार्ज हो जाता है 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर से, जो कि थोड़ा स्लो है इन माय ओपिनियन, थोड़ा सा अगर मतलब फास्ट होना चाहिए था, बट ठीक है, नॉर्मली 6 से 7 आवर्स लगता है। अगर आपको कहीं जाना है अर्जेंटली तो आपको इसको पहले ही चार्ज करके रखना पड़ेगा, बिकॉज जल्दी चार्ज नहीं होता है, तो वो एक यहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो ये था इस पावर बैंक का अनबॉक्सिंग एंड काइंड ऑफ छोटा मोटा रिव्यू। इसका डेप्थ इन फुल या फिर फुल रिव्यू जो है मैं 3 से 4 दिन बाद इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड नोटिफिकेशन बेल को जो है वो क्लियर जो है दबा दीजिए, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड जितने भी कॉन्टेंट अपलोड होंगे वो आपको नोटिफाई आ जाए, फिर नोटिफिकेशन आ जाए उस जो है अपलोड के बारे में। तो टिल देन दिस इज नेक साइनिंग ऑफ।